क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट, यानी दो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला जो अपन वीडियो लेंगे वो इससे रिलेटेड होगा, बट अभी आप ध्यान रखिए कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, तो हमें क्या देखा, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो हमें क्या देखा है कि P जो है वो भी कितना है 1, Q जो है वो भी कितना है 1। ठीक है, अगर अपन ये नहीं लगाते हैं तो ठीक है, हमारे पास वैसे भी अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड कितना रखा है 1 है, इनका रिजल्टेंट भी कितना आया 1। ठीक है, तो पहले उसका सम 1 है, सम यानी पी प्लस क्यू, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, आर की वैल्यू कितनी 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, माइनस 1/2। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस यानी पी माइनस क्यू सॉल्व करना है। तो पी माइनस क्यू के लिए फॉर्मूला याद करो क्या था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, p पता है, q पता है और कॉस थीटा भी हमें पता है क्या लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया √3, तो जो डिफरेंस होगा वेक्टर्स का वो कितना होगा √3 डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है,